हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनु मैम, संस्कृत मैम। आज आपके लिए महात्मा बुद्ध पाठ लेकर आई हूँ, जो कि ब्रेन रूट सीरीज बाय अमृत पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 3, सप्तमह पाठ महात्मा बुद्ध। बच्चों, क्या आपने महात्मा बुद्ध के बारे में नाम सुना है उनका? तो आज हम जानेंगे महात्मा बुद्ध कौन थे, क्या करते थे, उनके पेरेंट्स कौन थे, किस राज्य के राजा थे, उन्होंने क्या क्या किया, इन सब के बारे में हम जानते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध शुद्धोधनस्य पुत्र आसीत। महात्मा बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। अस्य जन्म कपिलवस्तु नामनि नगरे बभू। इनका जन्म कपिलवस्तु नाम के नगर में हुआ था। बुद्धस्य माता माया देवी आसीत। बुद्ध की माता का क्या नाम था? माता देवी। आप ये देख रहे हैं, ये महात्मा बुद्ध का चित्र है। जिस समय इन्होंने, अभी आप आगे देखना, तब मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस समय का चित्र है। उनकी माता का नाम माया देवी था। बाल्यकाले एव तस्य जननी स्वर्गगता। बचपन में ही उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। शैशव काले बुद्ध से नाम सिद्धार्थ आसीत। बचपन में बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सह बाल्यकाले एव क्रीड़ां प्रत्यज्य ध्यान योगस्य अभ्यास कृतः। उन्होंने बचपन में ही क्या करा? खेलों को छोड़कर और ध्यान योग, जो अपना ध्यान लगाने के अभ्यास किया। यानी कि वो बचपन में ही ध्यान लगाते थे, खेलते नहीं थे जैसे और बच्चे खेलते हैं। उनका क्या था? वो ध्यान मग्न हो जाते थे। तस्य पिता तस्मिन् महापुरुषस्य लक्षणं दृष्टवान। उनके पिता ने उनके अंदर महापुरुषों के लक्षण देखे थे। उनके अंदर उनको दिखाई दे रहा था कि ये महापुरुष ही बनेगा, क्योंकि इसके लक्षण ही ऐसे हैं। वरना आम बच्चे जो होते हैं, बच्चों बचपन में खेलते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं था। ये बचपन में ही इनका जो मन था वो ध्यान में लगा हुआ था, और ये जितना भी हो सकता था, टाइम मिलता था, ध्यान लगाते थे। नगरस्य भ्रमण काले स एकम वृद्धम रुग्णम पुरुषम मृत शरीरम तथा च संन्यासिनम स दृष्टवान। बचपन में ही इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मरे हुए शरीर को और एक सन्यासी को देखा। एतान दृष्ट्वा तस्य हृदये संसार प्रति वैराग्यम जातम। इस सबको देखकर उनके मन में इस संसार के प्रति बिल्कुल वैराग्य हो गया। सिद्धार्थ ततः मानवानाम दुख निवारणार्थम निश्चयं कृतवान। ये सब देखकर उस सिद्धार्थ ने मनुष्यों के दुख का अंत करने के लिए का निश्चय किया कि मैं इस संसार, मेरे को नहीं रहना इस संसार में। मनुष्य सभी लोग दुखी हैं, हर व्यक्ति दुखी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इनके दुख के निवारण के लिए, दुख को दूर करने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। स्व निश्चय अनुसारेण तेन पत्नी पुत्रादि सकल परिवारम त्यक्तम। अपने निश्चय के अनुसार ही उन्होंने अपनी पत्नी पुत्र आदि अपने सारे परिवार को त्याग दिया। तपोवने स्थित्वा सतत अभ्यासेन तप कृत्वा एकस्मिन् दिवसे सह बोधम प्राप्तवान। और अपने, उन्होंने तपस्या वन में रहकर निरंतर अभ्यास से की, और एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान के प्राप्त करने के बाद वो क्या हो गए? बुद्ध भवु, वो बुद्ध बन गए। बुद्धस्य उपदेश है इह जगति विशेषानुकरणीया अभवन। बुद्ध के जो उपदेश थे इस दुनिया में विशेष रूप से अनुकरणीय रहे हैं। उनको ऐसे उपदेश हैं बुद्ध के कि आज भी लोग उनके उपदेशों को मानते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। उनके क्या उपदेश थे? उनके उपदेश एते तस्य उपदेश, उनके उपदेश थे ब्रह्मचर्यम पाले, ब्रह्मचर्य का पालन करो। शरणागतान रक्षित, जो शरण में आपकी आए हैं, आपके पास आए हैं, आप उनकी रक्षा करो। सर्वेषु प्राणीषु दया कर्तव्य, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। न चारेत कस्यापि वस्तुन, किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए। सत्यम वदेत, सच बोलना चाहिए। अस्माकं जीवने लौकिक सुखस्य आकर्षण न भवित्यम भवितव्यम। हमारे जीवन में जो भौतिक सुख है, जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी सुख का, भौतिक सुखों का, या हमारे जीवन में उनका
उनके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। जिन चीज़ों को हम देखते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है हमें, उसके प्रति हमें आकर्षण नहीं होना चाहिए। अहिंसाया पालनम कुर्यात, अहिंसा का पालन करना चाहिए। बुद्धस्य उपदेशानां पालनेन संसारस्य कल्याणं भवति इति निश्चित है। बुद्ध के उपदेशों का पालन करने से इस संसार का कल्याण होता है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने उपदेश दिए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हमेशा सच बोलो, हिंसा बिल्कुल मत करो, अहिंसा का पालन करो, और उन्होंने यही भी बोला कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनको देखकर हम आकर्षित होते हैं, हमें उन पर आकर्षण नहीं करना चाहिए, और चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। हम सभी उन्हीं की इन बातों का कोशिश करते हैं कि उन्हीं का पालन करें, और आप सबको भी बच्चों इन उपदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के उपदेश बहुत अच्छे हैं और उसी से ही संसार का कल्याण होता है। तो पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं बच्चों। आसीत मीन्स था, गता गई, क्रीड़ाम खेल को, दृष्टवान देखा, भ्रमण काले घूमते समय, एतान माने इन सब को, दृष्टवा देखकर, कृतवान किया, त्यक्तम क्या है त्याग दिया, सततम निरंतर यानी कि लगातार, बोधम ज्ञान, प्राप्तवान प्राप्त किया, बुद्ध यानी कि ज्ञानवान, इह जगति माने इस संसार में कर्तव्य करना चाहिए। तो पाठ में आए हुए बच्चों हमने कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। अब ये पाठ का कुछ अभ्यास कार्य है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। महात्मा बुद्ध कस्य पुत्र आसीत, महात्मा बुद्ध किसके पुत्र थे? शुद्धोधनस्य, है ना, शुद्धोधन के पुत्र थे। अस्य जन्म कस्मिन नगरे अभवत, इनका जन्म बभूव, इनका जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु नगरे, इनका जन्म कपिलवस्तु नगर में हुआ था। बुद्धस्य माता का आसीत, बुद्ध की माता कौन थी? बुद्धस्य माता माया देवी आसीत। बुद्धस्य शैशव काले किम नाम अस्ति, बुद्ध का बचपन में क्या नाम था? बुद्धस्य शैशव काले नाम सिद्धार्थ आसीत, सिद्धार्थ आसीत। नगरस्य भ्रमण काले सिद्धार्थ किम किम दृष्टवान, नगर में घूमते हुए सिद्धार्थ ने क्या क्या देखा? सिद्धार्थ ने देखा एकः वृद्धम, रुग्णम रोगी को देखा, मृत शरीरम, सन्यासिनम, दृष्टवान। महात्मा बुद्ध ने नगर में इन लोगों को देखा, तभी से उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इस संसार में नहीं रहूंगा और मैं लोगों के दुख के निवारण करने के लिए कुछ करूंगा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, रिक्त स्थानों को भरना है। तस्य पिता तस्मिन महापुरुषस्य लक्षणम दृष्टवान, बाल्यकाल एव तस्य माता स्वर्गगता, बचपन में ही उनकी माँ स्वर्ग चली गई थी। अहिंसाया पालनम कुर्यात, नेक्स्ट डैश से बुद्ध भगु मनुष्यस्य दुख निवारणाय स बुद्ध अभू, सर्वेषु प्राणिषु अहिंसा कर्तव्य। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3। सही उत्तर देखकर 3 विकल्प में से सही उत्तर चुनकर हमें सही पर निशान लगाना है। पहला है महात्मा बुद्ध है पुत्र आसीत, महात्मा बुद्ध किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त के या विक्रमादित्य के या कि शुद्धोधन के, तो ये किसके पुत्र थे? शुद्धोधनस्य। शैव काले बुद्धस्य नाम आसीत चाणक्य सिद्धार्थ या कि सत्यजीत, क्या नाम था? सिद्धार्थ। स्वनिश्चयानुसारेण तेन सकलम त्यक्तम, अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने क्या त्याग दिया? नगरे जने या परिवारम, उन्होंने परिवार को त्याग दिया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, वाक्य बनाइए। स्वर्ग शैव काले तस्य माता
स्वर्ग गता। लक्षणम् तस्य पिता बुद्धे महापुरुषस्य लक्षणम् दृष्टवान्। बचपन में ही उनके पिता को उनके अंदर महापुरुषों के लक्षण दिखाई दिए। उपदेशा बुद्धस्य उपदेशा अनुकरणीय। जीवने अस्मिन् जीवने सर्वदा सत्यम वदनीय। पाठ में आए हुए कुछ शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5। निम्नलिखित के क्रियापद के मूल धातु पुरुष और वचन लिखने हैं। यहां पर बभू, इसकी मूल धातु है बच्चों भू, मूल धातु है ये, और लकार है ये लंग लकार। पुरुष प्रथम पुरुष, वचन बहुवचन। पालयेत, पहले धातु लिख लेते हैं सबकी। पालयेत पाल धातु, वदेत वद धातु, अभवन भू धातु, कुर्यात कृ धातु। तो पाल धातु में, पालयेत में लकार है हमारा, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। वदेत में वद धातु, ये भी लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। अभवन में भू धातु और ये है विधिलिंग, ये लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। कुर्यात में क्री धातु, विधिलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार हमने क्रिया की मूल धातु और उनके पुरुष और वचन के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 6 है हमारी, हिंदी में अनुवाद करो। ब्रह्मचर्यम पालयेत शरणागतान रक्षेत। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शरण में आए हुए की रक्षा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए और शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। यही तो बुद्ध के उपदेश थे ना बच्चों, अहिंसाया पालनम कुर्यात, अहिंसा का पालन करना चाहिए। सर्वेषु प्राणिषु दया कर्तव्या, सभी प्राणियों में दया करनी चाहिए। सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। फिर अस्माकं जीवने लौकिक सुखस्य आकर्षणं न भवितव्यम्। हमारे जीवन में जो लौकिक सुख है उसकी तरफ हमें आकर्षण नहीं, आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में लौकिक सुखों का आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो बच्चों पाठ में आए हुए हमने कुछ संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद किया। अब ये एक्सरसाइज नंबर 7 है हमारी, इसमें कुछ हिंदी के वाक्य हैं इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। बचपन में बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। बाल्यकाले बुद्धस्य नामः सिद्धार्थ आसीत्। बाल्यकाले
बुद्धस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। नेक्स्ट है फिर, उसने बचपन से ही खेल छोड़कर ध्यान योग का अभ्यास किया। सह बाल्यादेव क्रीडं त्यक्त्वा ध्यान योगम अभ्यासम अकुर्वन। वृद्ध रोगी शव तथा सन्यासी को देखकर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वृद्ध रुग्णम शवम सन्यासीनम दृष्टवा तस्य हृदये वैराग्यम उत्पन्नम बभू। ज्ञान प्राप्त करके वह बुद्ध बन गया। ज्ञानम प्राप्तवा सह बुद्धम बभू। ज्ञान प्राप्त करके वह बुद्ध बन गया। तो इस प्रकार हमने बच्चों पाठ में आए हुए कुछ हिंदी के वाक्य थे उनका संस्कृत में अनुवाद किया। रचनात्मक कार्य हमारा एक्टिविटी है, इसमें महात्मा बुद्ध के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। अभी आपने चैप्टर में देखा होगा, आपको आसानी से मिल जाएंगे 5 वाक्य। जैसे बाल्यकाले तस्य नाम सिद्धार्थ आसीत, ये तो मैं एक एक आपको उदाहरण दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप शुरू में सबसे पहले तो लिखेंगे कि बुद्धस्य जन्म कपिल वस्तु नामनी नगरे अभवत, है ना। तस्य पिता शुद्धोधन आसीत, तस्य माता मायावती आसीत, और 5वां क्या लिखोगे आप? सह ज्ञानं प्राप्त्वा बुद्धं बभू। ज्ञान प्राप्त कर वो बुद्ध हो गए। तो इस प्रकार बच्चों हमने रचनात्मक कार्य किया और बुद्ध के उपदेशों के बारे में जाना, और हमें बुद्ध के उपदेशों का ही अनुकरण करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपसे फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए आभार।